ओनो देख, अभी तो बीमार होके ठीक हुए हो, अब फिर से अब क्या करें? वापस रूम में भी नहीं जा सकते। आई होप ये एडवेंचर महंगा ना पड़ जाए। नहीं नहीं, चलो ऊपर चलते। क्यों? अरे ये आपका सेकंड अच्छू, चलो बीमार पड़ गए तो। अरे नहीं बाबा, ठंड है बहुत यहाँ। अरे मेरे पास बैठोगी तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मेरे टाइनी माइनी खरगोश के टाइनी माइनी हाथ। व्हाट? अच्छा बाबा ओके, मेरे टाइनी माइनी खरगोश के गॉडज़िला वाले हाथ। ठंड में जब मार पड़ती है ना तो बहुत जोर की लगती है। पता है जिसने भी ये पानी फेंका बहुत अच्छा काम किया। इतने ठंड में हमें ठंडे पानी से नहलाया और अच्छा किया। हाँ और क्या, इसकी वजह से हमें अपना रोमांस रिवाइव करने का मौका मिला। जब से शादी हुई है तब से प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करते रहते हैं। ऐसे मोमेंट्स में हम रियलाइज करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए कितने प्रेशियस हैं। पता है हम कितना सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। मैं भी तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। सही कह रहे हो आप, ना मुझे कभी टाइम ही नहीं देते। देव, अगर माँ ने हमें यहाँ ऐसे बैठे हुए देखा, वो भी भीगे हुए, तो और कुछ भी रिवाइव हो जाएगा। अब चलो जल्दी उठो और अंदर चलते हैं, वरना डांट पड़ जाएगी। I still love you, Miss Boss. हमेशा तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल करती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। Just wait for it. Hi, भाभी। Hi. How are you? Good. तुम कब आए? मैं बस अभी आया। Actually मैं रिया का वेट कर रहा हूँ। आज मूवी देखने का प्लान है। I think I should surprise her. मैं उसके कमरे में जाकर उसे सरप्राइज करता हूँ। खुशी की कोई मैसेजेस नहीं? फोटोज होंगी। हाँ, गैलरी भी एम्प्टी। सोनाक्षी, वेदर इज ऑल्सो गुड आउटसाइड टुडे। क्या हुआ रिया, मेरा फोन देखा क्या तुमने? आपने कहीं गाड़ी में तो नहीं छोड़ दिया? नहीं नहीं, मैं अंदर लेके आया था। आई एम श्योर। ये किसका फोन है? देव भैया मेरा फोन है, मैं वहां पे बैठा था तो शायद गिर गया होगा। ओह ये, थैंक यू। तो दो फोन कैसे मैनेज कर लेते हो? एक्चुअली ये भैया मेरा पर्सनल फोन है और ये मेरा वर्क फोन है। अब वर्क डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए इसलिए ये बंद कर देते हैं। मेरा शक सही निकला, इसको अब भी मेरे ऊपर डाउट है। अच्छा किया जो मैंने जान पूछ के फोन छोड़ दिया। नाउ इट्स क्लियर, इससे तो बच के रहना पड़ेगा बेटा यान। वैसे अच्छा हुआ भैया आप मिल गए, आपकी परमिशन चाहिए थी। आपकी बहन को मूवी देखने ले जाना है। अच्छी लग रही। थैंक यू सो मच भैया। जा, जाएगा। चलो। थैंक यू। बाय। सी यू गाइस। बाय। बाय। क्या कर रही थी तुम ये? अगर आयान देख लेता तो? मुझे अभी भी लगता है कि आयान हमसे कुछ छुपा रहा है। इसको स्मार्ट, उसने जानबूझ के अपना ऑफिस का फोन यहाँ पे छोड़ा ताकि मैं देखूं। लेकिन मैं पता करके रहूंगी। तुमने बोमकेश बख्शी का कोई एपिसोड मिस नहीं किया?
साक्षी तुम बेकार में शक कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं। और प्लीज आज तो उसने देखा नहीं, अगर देख लेता या उसे शक हो जाएगा तो तुम समझ रही हो ना। गुड मॉर्निंग बुआ। विकी तू यहाँ है? बुआ वो रात में ना हमारा एसी खराब हो गया था तो देव भाई ने बोला कि यहाँ सो जाओ। तुम लोग यहाँ सोए? फिर देव और सोनाक्षी कहाँ सोए? देव ने कुछ कहा भी नहीं ऑफिस जाते समय तो। गुड मॉर्निंग माँ। नीना उठ गई? नहीं। सोनाक्षी मुझे पता नहीं था कि ये लोग यहाँ पर सोए हैं। हाँ जी माँ, ये सोए थे। एलिना उठ गई? अभी नहीं उठी। देखो ना कैसे बच्चों की तरह सो रही है। मैंने इसको उठाने की कोशिश भी करी थी लेकिन ये तो फीमेल कुंभकर्ण से भी ज्यादा है। ये वैसे 11 बज चुके हैं, तुम लोग सोना चाहते हो तो? अरे नहीं माँ, एक्चुअली घर पे तो माँ रोज उसे उठाती थी ना, इसलिए बुरी आदत लगी। मैं उठाती। एलिना बिल्ली उठ, 11 बजे। सोना सोने देना, अभी सिर्फ 11 ही तो बजे हैं। चुप माँ, चुप, मजाक कर रही थी। नीना माँ खड़ी है, उठ। आशी को बोलना मुझे ना चॉकलेट वाला मिल चाहिए, अब जा ना जा। माँ वो देर से सोई थी ना और नई जगह है तो वो सोई नहीं होगी बराबर से। नहीं उठ, मेरी बात तो सुन। एलिना उठ उठ। अरे क्या कर रही है, इसके कान में क्यों चिल्ला रही हो? अरे सोने दो उसे, उठ जाएगी वो। और उसे परेशान मत करो, वैसे भी आज मेरी बहू का पहला दिन है ससुराल में और गरीब की बेटी अपनी बहू का ख्याल अच्छे से रख सकती है। हाँ कल तो इस तरीके की सिचुएशन थी कि हम कुछ बोलने समझने की हालत में ही नहीं थे। बेटा मुझे ईश्वरी जी से बात करनी है। जिस तरीके की सिचुएशन में ये सब कुछ हुआ है अलीना के लिए बहुत मुश्किल हो गया। बाबा मैं जानती हूँ आप माँ से क्या बात करना चाहते हैं। कल जैसे आपको लगा वैसे ही माँ को लगा और बाबा ये सब इतनी सडनली हुआ तो उन्हें भी एक्सेप्ट करने के लिए वक्त लगेगा ना। सुन लिया सोना ने क्या कहा? मेरी बात तो आप सुनते नहीं। अरे तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं क्या बच्चा हूँ? बच्चे भी ना अपना बचपना छोड़ देते हैं, अब तो जिद पे आ जाते हैं। किच्ची को कितनी बार बोला है धोबी से ना लड़ा करे, इतने जोर जोर में आवाज करता है। अरे तुम क्या, ओ धोबी जी क्यों चिल्ला रहे हैं? आपने मुझे धोबी कहा? नहीं नहीं यार, आपको नहीं कहा मैंने। मैंने मैंने अपने कानों से सुना आपने मुझे धोबी कहा। हाँ नहीं मतलब मैंने कहा पर मुझे लगा कि वो नहीं। आपको लगता है कि मैं धोबी हूँ? नहीं बाबा, माँ का वो कहने का मतलब नहीं था। हाँ हाँ भाई साहब आप आइए ना, बैठिए, आइए आइए। आशा जी नमस्ते। नमस्कार। दरअसल मुझे पता ही नहीं चला कि आप लोग कब आए। आइए ना बैठिए। कैसे आना हुआ? दरअसल हम लोग एलिना से मिलने चाहते थे। अच्छा 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 किया। सोनाक्षी ने बुलाया कि नहीं? मैं बुला देती हूँ। किच्चू किच्चू जाओ जाओ, जरा एलिना भाभी को बुला लाओ। जी माँ जी। हाँ बहुत खुश होगी वो आप लोगों को देखकर। वैसे बच्चों ने अगर बताकर किया होता तो चीजें अलग तरीके से होती। खैर अब जो हुआ सो हुआ, लो आ गए वो लोग। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा बैठ, खुश रहो। कहिए कैसे आना हुआ? जी वो दरअसल हम एलिना से मिलने आए थे कल
सब कुछ ऐसा हो गया कि कुछ समझ ही में नहीं आया, तो हमने सोचा आज। अच्छा किया भाई साहब, वैसे भी क्या है ना कि अब तो आपका आना जाना इस घर में बढ़ ही जाएगा। एलिना, देख बेटा, तेरी मम्मा यहाँ नहीं है, उनकी तरफ से मैं तुझे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। अब ये घर, इस घर के लोग तेरे अपने हैं। विकी के मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देना, इस घर को, इस घर के लोगों को रिस्पेक्ट करना तेरे लिए सबसे पहले आना चाहिए। इस घर के कल्चर और ट्रेडिशन को तुझे पूरी तरह से अपनाना है। अरे वाह बहन जी, बातें तो बहुत अच्छी करती हैं आप। क्या आपने सोना बहू को भी यही सब कहा था यहाँ आने से पहले? ये थोड़ी सी अलग है उन बातों से, इसलिए। देखिए बहन जी, क्या है? देखिए बहन जी, अब हमारी दोनों बेटियां आपकी हो गई है, आप इन्हें प्यार से जो सिखाएंगी ये सीख जाएंगी। मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। आप निश्चिंत रहिए, आपकी दोनों बेटियों को हमारी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने सोनाक्षी को कभी इन चीजों में बांध के नहीं रखा और ना ही भाभी इस तरह की है। आप निश्चिंत रहिए। मैं बिल्कुल चिंता नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ जिस तरह से आप लोगों ने सोना को अपने दिल में जगह दी है, हमारी एलिना भी वो जगह बना लेगी। ये लाइट्स क्यों ऑफ है? अरे लाइट्स क्यों नहीं चल रही? फ्यूज का प्रॉब्लम होगा। किच्चू भैया को बुलाती हूँ। हेलो माय प्रेशियस, अगले से दिन है मेरी बदली सी रातें, से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अनछुई थी सपने मेरे तूने छू ली, चुपके चुपके दिल में आया तू जादूली, तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो, पहली दफा है कि मुझ में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे 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 भी। जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है। सॉरी सॉरी।
आप इतने क्यूट क्यों हो मिस्टर दीक्षित? आयान थैंक्स आज के दिन के लिए, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं, सीरियसली आई कांट वेट टू गेट मैरिड टू यू। एक सेकेंड। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुझे डिस्टर्ब करने का वेट नहीं कर सकते, सो सॉरी, बस एक मिनट में आया। इट्स ओके। हेलो, अब तक उसके साथ हो? हाँ, अब तक तो उसी के साथ हूँ, पर जल्द ही तुम्हारे साथ हूँगा। वैसे भी बहुत बोरिंग लड़की है यार, आई कांट वेट टू बी विद यू। तो जल्दी आ जाओ ना, आई एम मिसिंग यू यार। तुम्हारी आवाज नहीं सुनी थी इसलिए फोन कर दिया। अच्छा किया फोन किया, वैसे भी मिस बोरिंग के साथ बहुत बोर हो रहा हूँ। आई एम मिसिंग यू। तो जल्दी आ जाओ ना। आयान रिया को वहां छोड़ के किसे बातें कर रहा है? I'm waiting for you. Love you. I love you too. ये आयान फोन पे किसको किस कर रहा है? कहीं खुशी? मुझे लगा था कि तुम्हारी आवाज सुनने के बाद मुझे कुछ शांति मिलेगी, बट अभी मुझे और नहीं रुका जाता। हंसो मत, मैं कुछ बोल रही हूँ ना, तुम अभी के अभी वापस आ जाओ। समझो ना खुशी, ये हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अभी नहीं आ सकता, अभी रखता हूँ, चलो आई विल स्पीक टू यू। नो 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 नो, तुम फोन बिल्कुल नहीं रखोगे, और अभी का मतलब अभी। तुम मेरे सामने उसे जाकर बाय बोलो। आई मिस यू आयान, प्लीज। अच्छा ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, लेट मी चेक। रिया आई एम सो सॉरी, ये क्लाइंट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मुझे जल्दी जाना होगा। इट्स ओके आयान, आई कैन अंडरस्टैंड, आपका काम है तो आपको जाना ही पड़ेगा। कोई नहीं, ओके, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू। ये सब कितना वियर्ड है, किसी को ये अजीब कैसे नहीं लग रहा है, सिर्फ मुझे। अरे कहा ना, I'm sorry, इमरजेंसी थी। नहीं वो मुझे लगा कि मैंने किसी को कुछ देखा। अब तुम मेरे सिवाय किसी को नहीं देखोगी। खुशी और आयान का सच तो सबके सामने लाना ही होगा, और वो भी जल्दी। करूं तो क्या करूं? खुशी आयान को लेकर बहुत इनसिक्योर है। अगर मैं आयान को ट्रैप नहीं कर सकती तो खुशी से सच तो बुलवा सकती हूँ। आयान खुशी की वीकनेस है और इसी का फायदा मुझे उठाना पड़ेगा। अगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे खुद सब कुछ अकेला करना पड़ेगा, और वो भी जल्दी। खुशी, अगर तुम आयान से सचमुच प्यार करती हो तो उसके आसपास किसी और लड़की को देखकर जरूर जलस होती होगी। यही सही टाइम है तुम्हारी इस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने का। भाभी, भाभी आज तो रीना भाभी का फर्स्ट डे है ना, जैसे आपने हम सबको कुछ ना कुछ बना के खिलाया था वैसे आप भी बनाओगी ना? I'm so excited. खाना और मैं। निकी, अगर तुझे अपने मुंह का टेस्ट खराब करना है ना, ठीक है बना लेती हूँ। नहीं नहीं, अब पहले दिन काम पे थोड़ी ना लग जाएगी, कोई जरूरत नहीं है, तू आराम कर, गरीब की बेटी है ना काम करने के लिए। थैंक यू सो मच सासू माँ, और वैसे भी मुझे सुबह इतनी नींद आती है ना कि मैं बनाने कुछ जाऊंगी और बन कुछ जाएगा। और तुम चाहते हो कि मैं खाना बनाऊं? बिल्कुल नहीं, अरे ये सब काम जो है ना वो तुम्हारी दीदी करेगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आजा बेटा। कमरे का एसी ठीक चला कि नहीं?
क्या हो गया? अरे ओ माय गॉड, देव की हिक्की। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.